हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज आप देखेंगे 2023 की जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य के सभी 23 जिलों को, साथ ही इन सभी जिलों से जुड़ी कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कमेंट में हैशटैग चंद्रयान 3 जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से का एक राज्य है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का चौथा और क्षेत्रफल के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। चलिए जानते हैं इस राज्य के सभी जिलों के बारे में, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे छोटा या 23वां जिला है झाड़ग्राम जिला। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने साल के जंगलों, हाथियों, प्राचीन मंदिरों और शाही महलों के लिए जाना जाता है। झाड़ग्राम जिले की वर्तमान जनसंख्या 12,10,000 की है। राज्य का 22वां जिला अलीपुर द्वार जिला है। यह जिला मुख्य तौर पर जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा किले के खंडर और बक्सा टाइगर रिजर्व के चलते एक पर्यटन प्रमुख जिला है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 17,95,000 की आबादी निवास करती है। पश्चिम बंगाल का 21वां जिला दक्षिण दिनाजपुर जिला है। इस जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1992 को तत्कालीन पश्चिम दिनाजपुर जिले से किया गया था, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय बालूरघाट शहर में स्थित है। हाल के समय दक्षिण दिनाजपुर जिले की कुल जनसंख्या 18,35,000 की है। कलिम्पोंग जिला पश्चिम बंगाल राज्य का 20वां जिला है। यह राज्य का एक बेहद ही खूबसूरत जिला है जो पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशनों में से भी एक है। जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 20,41,000 की जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम बंगाल का 19वां जिला वर्तमान जनसंख्या के आधार पर है दार्जिलिंग जिला। भारत के कुछ बड़े हिल स्टेशनों में से एक दार्जिलिंग जिला, जो शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित है। जिले के दार्जिलिंग शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। वहीं यह जिला अपने चाय उत्पादन, सागौन की खेती, पर्यटन, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल और ट्रैकर्स का स्वर्ग माना जाता है। जिले की हाल के समय कुल जनसंख्या 25,67,000 की है। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल का 18वां जिला है। यह जिला 12वीं शताब्दी तक कामरूप साम्राज्य का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 31,79,000 की जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम वर्धमान जिला इस राज्य का 17वां जिला है। यह जिला खनन और औद्योगिक दृष्टिकोण से राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय आसनसोल शहर में स्थित है। पश्चिम वर्धमान जिले की कुल जनसंख्या 38,31,000 की है। राज्य का बीरभूम जिला इस सूची में 16वें पायदान पर आता है। अक्सर लाल मिट्टी की भूमि कहा जाने वाला बीरभूम जिला, जो अपनी स्थलाकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से कुछ अलग है। इस जिले का मुख्यालय सूरी शहर में स्थित है। जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 40,70,000 की आबादी निवास करती है। पुरुलिया जिला इस राज्य का 15वां जिला है। यह राज्य का सीमेंट, बिजली और स्टील उत्पादक जिला है। औद्योगिक क्षेत्र इस जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जनसंख्या में इस जिले के अंतर्गत कुल 40,73,000 की आबादी निवास करती है। पश्चिम बंगाल राज्य का 14वां जिला उत्तर दिनाजपुर जिला है। 1 अप्रैल 1992 को इस जिले का निर्माण पश्चिम दिनाजपुर जिले से विभाजित कर किया गया था। वही जिले का मुख्यालय रायगंज शहर में स्थित है। जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 41,80,000 की है। जलपाईगुड़ी जिला इस राज्य का 13वां जिला है। उत्तरी बंगाल का यह जिला, जिसकी सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है, 1869 में ब्रिटिश राज के दौरान इस जिले का निर्माण हुआ था, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 42,81,000 की है। पश्चिम बंगाल का 12वां जिला है मालदा जिला। राज्य में आम, जूट और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक मालदा जिला, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 47,81,000 की है। बांकुड़ा जिला इस राज्य का 11वां जिला है, जो मेदिनीपुर डिवीजन का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 49,99,000 की आबादी निवास करती है। पश्चिम बंगाल का 10वां जिला है हुगली जिला। हुगली नदी के किनारे स्थित होने से यह जिला औद्योगिक दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल के सबसे विकसित जिलों में से एक है, जहाँ जूट उद्योग, कार निर्माण कारखाने, थर्मल पावर प्लांट और टिश्यू प्लांट स्थापित है। हुगली जिले के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल 60,39,000 की जनसंख्या निवास करती है।
पश्चिम बंगाल का हावड़ा जिला इस सूची में 90वें पायदान पर आता है। यह जिला पश्चिम बंगाल का एक मुख्य प्रवेश द्वार और एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। जिले का प्रमुख आकर्षण 1943 में बना हावड़ा ब्रिज है, जिसे वर्तमान समय में रविंद्र सेतु कहा जाता है। वही हावड़ा जिले की वर्तमान जनसंख्या 67,42,000 की है। पूर्व मेदिनीपुर जिला इस राज्य का 8वां जिला है। इस जिले का निर्माण 1 जनवरी 2002 को हुआ एवं जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तामलुक शहर में स्थित है। वहीं इस जिले के अंतर्गत कुल 70,83,000 की जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम बंगाल राज्य का 7वां जिला नादिया जिला है। यह जिला बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास में अत्यधिक प्रभावशाली है, जिससे जिले को बंगाल के ऑक्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। यह जिला वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल भी है। वही जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 71,83,000 की है। मुर्शिदाबाद जिला वेस्ट बंगाल का 6वां जिला है। अनेक धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का संगम मुर्शिदाबाद जिला, जो अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ पर भागीरथी नदी बहती है, जो मुर्शिदाबाद को दो भागों में बांटती है। भागीरथी के मनमोहक दृश्य देखने पर्यटन दूर दूर से यहाँ आते हैं। मुर्शिदाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बहरामपुर शहर में स्थित है। वही जिले के अंतर्गत कुल 78,53,000 की आबादी निवास करती है। पश्चिम मेदिनीपुर जिला इस राज्य का 5वां जिला है। इस जिले के अंतर्गत खड़गपुर शहर आता है, जहां दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 82,20,000 की है। इस राज्य का 4था जिला जनसंख्या के आधार पर पूर्व वर्धमान जिला है। 2017 तक यह वर्धमान जिले का भाग हुआ करता था, जिससे इस जिले का निर्माण किया गया। हाल के समय इस जिले की कुल जनसंख्या 82,31,000 की है। दक्षिण 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल राज्य का 3रा जिला है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय अलीपुर शहर में स्थित है। वही यह क्षेत्रफल के लिहाज से पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जिला है। जिले के अंतर्गत ही सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 1,09,45,000 की आबादी निवास करती है। उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल का 2रा जिला है। राज्य के दक्षिणी भाग का यह जिला, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय बारासात शहर में स्थित है। जिले की वर्तमान जनसंख्या 1,10,65,000 की है। पश्चिम बंगाल राज्य का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है कोलकाता जिला। यह जिला अपनी स्थिति के चलते पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। साथ ही यह भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 1,55,40,000 की जनसंख्या निवास करती है। वैसे दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग और कृषि जैसे कार्यों से काफी अच्छी तरह से संपन्न है। इसी के चलते यह भारत में 6वां सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य है। तो दोस्तों, हम यह वीडियो खत्म करें उससे पहले आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।